लोकायिका की वीडियो एडिट कर अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना युवक को महंगा पड़ गया। गायिका की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए चौकी में बिठा दिया। जब युवक ने होश ठिकाने लगे तो उसने गायिका से न सिर्फ माफी मांगी बल्कि वीडियो और फर्जी आईडी को भी डिलीट किया। बाद में पुलिस ने युवक को सख्त चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर के खतौली निवासी यूट्यूबर गायिका फरमानी नास संगीतकार राहुल कुमार के साथ रुद्रपुर कोतवाली पहुंची। उन्होंने पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि रुद्रपुर का एक युवक अपनी फर्जी आईडी से उसकी वीडियो को एडिट कर उसमें उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। कई बार समझाने के बाद भी युवक अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। मामले में थाना पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई की। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। इन्हें तो जानते ही है, तो मैंने इनके ऊपर रोस्टिंग करी थी, जो मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया है, तो उसके लिए मैं इनसे माफी चाहता हूँ और आप लोगों से भी माफी चाहता हूँ। तो गाइस आगे से वर्तमान काल में मतलब मेरे यूट्यूब चैनल के या किसी भी सोशल मीडिया के वेबसाइट के माध्यम से इस प्रकार की चीज देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जो सिंगर हैं और यूट्यूब पे जो वीडियो बनाती हैं फरमानी नाज, उनके द्वारा कहा गया था कि उनकी वीडियो पर किसी ने अभद्र टिप्पणी की है। जो व्यक्ति था अमन नाम का, वो खेड़ा का निवासी है। तो जब पूछताछ की गई तो अमन द्वारा अपनी गलती स्वीकारी गई एवं जो यूट्यूबर जिन्हें शिकायत करता थी उनसे माफ़ी मांगी गई। फिर शिकायतकर्ता द्वारा उनकी माफ़ी को स्वीकारा गया और फिर लिखित में दोनों में समझौता हुआ कि वो आगे कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं चाहते। इसमें पुलिस के द्वारा इन पर 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया था।